We are going to discuss how to find out the distance of any point from a line in a complex plane. So let's start. देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ P, जिसका fx है z1, और एक हमने इक्वेशन एज्यूम की हुई है. लेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज z अल्फा डैश प्लस z डैश अल्फा प्लस c इज इक्वल टू जीरो. और स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है उसमें ये जो भी डाटा मौजूद है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है एंड अल्फा इज कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट. और अपने को करना क्या है, इस पी पॉइंट से मैं सामने वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूँ, और लेट मैंने फिट के लोकेशन को एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसके एफिक्स को मैं जेड टू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी एन. हमें पी एन की लेंथ निकालनी है, जो कि विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होना चाहिए जेड वन माइनस जेड टू के मॉड के. तो ये डाटा आपको कैलकुलेट करना है. अब चलते हैं फॉर्मूले पे. तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बात करूँ तो लेंथ ऑफ पी एम हमारे पास इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ये जो जेड वन आपको एफ एक्स दे रखा है, इस पॉइंट को इस लाइन की क्वेश्चन में पहले सबमिट करिए. तो ये बनेगा जेड वन एल्फा डैश प्लस के जेड वन डैश एल्फा प्लस सी एंड डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ एल्फा के मॉड के. सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द गिविन लाइन. तो हम करने क्या जा रहे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्राइव दिस रिजल्ट. ये रिजल्ट आ कैसे रहा है हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए सबसे पहले मेरे पास एक लाइन है. लाइन की क्वेश्चन मैं फिर से वहीं से नोट कर लेता हूँ. द क्वेश्चन ऑफ ए लाइन इज जेड एल्फा डैश प्लस के जेड डैश एल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है पी, जिसका एफिक्स है जेड वन, और मुझे करना क्या है कि मुझे पी एम की लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैं पी एम लाइन की इक्वेशन को पता करने जा रहा हूँ. पी एम में क्वालिटी क्या है, पीएम जो लाइन है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है. अब मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको याद होगा कि अगर सपोज मेरे पास कोई एक लाइन है जेड एल्फा डैश प्लस के जेड डैश एल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन के लिए हमें करना क्या होता है, इस प्लस को आप माइनस से रिप्लेस कर देंगे. देन द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन इज जेड एल्फा डैश माइनस जेड डैश एल्फा प्लस की एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये आपकी इक्वेशन है एल की. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पी एम. तो एल की इक्वेशन मेरे पास है और पी एम की इक्वेशन मेरे पास है, लेकिन यहाँ पे के मेरे पास अननोन डाटा है, वी डोंट नो अबाउट द के. तो K की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, K की वैल्यू निकालने के लिए ये जो P पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये गिविन PM इक्वेशन को सैटिस्फाइड करेगा. तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सबसे पहले इस P पॉइंट को गिविन लाइन की इक्वेशन में सबमिट कर देता हूँ. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये बनेगा Z1 alpha dash माइनस के Z1 dash alpha plus K and that is equal to zero. From this equation we are getting this result. मैंने बस गिवन इक्वेशन में z की जगह z1 सबमिट कर दिया है, क्योंकि ये जो pm लाइन है वो p पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ k एंड द वैल्यू ऑफ k इज z1 डैश एल्फा माइनस z1 एल्फा डैश की. और ये k को उठा के मैं दोबारा से इस pm इक्वेशन में सबमिट कर देता हूं. देन द इक्वेशन वी विल हैव z एल्फा डैश माइनस z डैश एल्फा प्लस z1 डैश एल्फा माइनस z1 एल्फा डैश एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू. और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी जिसपे आपने परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, मैंने उसको इक्वेशन नंबर वन लेट कर लिया है. मैं एक बार इसे फिर से नोट कर लेता हूँ. एंड द इक्वेशन इज जेड एल्फा डैश माइनस सॉरी डेट इज प्लस z डैश एल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. अब चलते हैं कंसेप्चुअल पार्ट पे. देखिए कंसेप्ट ये है कि अगर मैं इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, अगर मैं इन दोनों लाइनों का इक्वेशन नंबर वन का और इक्वेशन नंबर टू का अगर मैं इंटरसेक्शन पता कर लेता हूं, तो आई विल गेट द एफिक्स ऑफ द पॉइंट एम,
है ना, m का fx मुझे पता लग जाएगा। और एक बार m का fx मुझे पता लग गया तो ये आसान होगा मुझे ये पता करना कि p और m के बिटवीन का डिस्टेंस कितना है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन। अगर मैं इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करूं तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपली आपका ऐड हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2z alpha dash plus z1 dash alpha minus z1 alpha dash plus c and that is equal to 0 के। तो क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन चाहिए तो मैं यहां से z की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि लेट z इज अ वेरिएबल पॉइंट जहां पे जाके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से 2z मेरे पास हो जाता है माइनस के z1 डैश अल्फा प्लस के z1 अल्फा डैश माइनस सी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ अल्फा डैश के। और चलिए ये टू अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ कि टू हमने राइट साइड में डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये मेरे पास वो पॉइंट आ गया, ये वो पॉइंट आ गया जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में मीट कर रही है, मतलब दिस इज द लोकेशन ऑफ एम, दिस इज द लोकेशन ऑफ एम, जो कि आपने जेड टू से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो मैं इस जेड को जेड टू से रिप्लेस कर देता हूँ कि भाई यही तो वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में मीट कर रही हैं। इट मीन्स जेड टू इज इक्वल टू होगा माइनस z1 डैश अल्फा प्लस z1 अल्फा डैश माइनस सी डिवाइडेड बाई टू अल्फा डैश के। अब हमारा टारगेट क्या है, मुझे ये पॉइंट मेरे पास था p जिसका एफिक्स था z1, ये m पॉइंट था जिसका एफिक्स था मेरे पास z2, और मुझे निकालना है z1 माइनस z2 का मॉड, विच इज अ लेंथ ऑफ pn, विच इज अ लेंथ ऑफ pn। तो यहां से अगर मैं z1 माइनस z2 की बात करूं, या फिर आप z2 माइनस z1 भी निकाल सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो z2 माइनस z1 का मॉड वी नीड, है ना। तो z2 माइनस z1 का अगर मॉड मुझे चाहिए तो मुझे गिवन इक्वेशन में से z1 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बनती है z1 डैश अल्फा प्लस के z1 अल्फा डैश माइनस सी अपॉन अपॉन टू अल्फा डैश माइनस z1 एंड टोटल एक्सप्रेशन का मॉड। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन जहां से हमें रिजल्ट मिलने जा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेंथ ऑफ pm जो कि इक्वल है z2 माइनस z1 के मॉड के भी इक्वल है, और अब बस अब मुझे ये पूरे इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 2 अल्फा डैश आपका एलसीएम आ गया, तो ये बनता है माइनस के z1 डैश अल्फा प्लस के z1 अल्फा डैश माइनस सी माइनस टू z1 एंड अल्फा डैश के। तो अभी थोड़ा सा मैनिपुलेशन और है, और मेरे हिसाब से अगर हम हल्का सा मैनिपुलेट और कर लेते हैं तो इजीली वी विल हैव आवर रिजल्ट, दैट इज मॉड ऑफ z2 माइनस z1 एंड दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज इक्वल टू, नाउ चेक इट। देखिए कि फर्स्ट टर्म है माइनस के z1 डैश अल्फा, ये टर्म और ये टर्म को आप बैलेंस कर लीजिए, तो ये बनता है माइनस के z1 अल्फा डैश, ये फिर माइनस सी आपको नजर आ रहे हैं और डिवाइडेड बाई टू अल्फा डैश नजर आ रहा है। चलिए माइनस है तो आप इसे बाहर कर सकते हैं, तो मॉड के बाहर करेंगे तो वो माइनस भी आपका हट जाता है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ z1 अल्फा डैश प्लस के z1 डैश अल्फा, है ना, और प्लस के सी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ अल्फा या फिर अल्फा कॉन्जुगेट, क्योंकि वो दोनों तो सेम ही रहते हैं, वो दोनों तो सेम ही रहते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द रिजल्ट। अब आप याद करिए मैंने क्या बताया था कि लेट पी मेरे पास एक पॉइंट है पी, दिस इज z1, द लाइन इज z अल्फा डैश प्लस के z डैश अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर आपको गिविन पॉइंट से गिविन लाइन पे परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, और अगर आपको लेंथ ऑफ पीएम रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ पीएम रिक्वायर्ड है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है, आपको पहले इसे इस इक्वेशन में सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आप देखिए कि जेड की जगह आपको z1 डालना है, तो ये बनेगा z1 अल्फा डैश प्लस के z1 डैश अल्फा प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ, ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट था इसका आपको मॉड लेना है। एंड दिस इज अ प्रूफ फॉर द गिविंग कंडीशन कि अगर आपको पी पॉइंट से गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होता है z1 अल्फा डैश प्लस के z1 डैश अल्फा प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ अल्फा मॉड के।